हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट फिंगरप्रिंट लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक इन सैमसंग गैलेक्सी A52S 5G। सैमसंग गैलेक्सी A52S 5G में पैटर्न लॉक, फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाना है, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रोल कर लेना है नीचे की ओर। फिर यहाँ से आपको मिल जाता है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको मिल जाता है फेस रिकॉग्निशन, फिर यहाँ पर फिंगरप्रिंट, तो इसे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको इसका पैटर्न लॉक या पिन लॉक लगा लेना है पहले। तो अभी मैं पिन लॉक लगा लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी पैटर्न लॉक, और यहाँ से मैंने एक पैटर्न डाल लिया है। फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, दोबारा से आपको इसे डाल देना है, फिर यहाँ से आपको इसे कन्फर्म कर देना है। तो ये आपका पैटर्न लॉक इसमें लग चुका है। अब आपको क्या करना होगा, अपना फिंगर जो है इसमें टच करना है। तो अभी हम फिंगर को अपना टच कर लेते हैं इसमें, बाकी आप इसमें अपना फिंगर टच कर लेना है। तो मैं अभी इसमें हटा हटा कर अपना फिंगर को इसमें टच कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा फिंगर जो है वो ऐड हो चुका है, यहाँ से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद एग्री कर देना है, तो ये हमारा फिंगरप्रिंट जो है वो इसमें लग चुका है। अब यहाँ से आपको बैक जाना है, और यहाँ से आपको अगर फेस लॉक लगाना है तो फेस लॉक पर क्लिक करेंगे, फिर अपना पैटर्न डाल लेना है आपको पहले। और पैटर्न डालने के बाद यहाँ से आपको कर लेना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपको ये यस नो मिल जाता है, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है नो पर। अब आपको यहाँ पर अपना फेस इनरोल कर लेना है, तो मैं अभी इसमें फेस इनरोल कर लेता हूँ अपना। तो इसमें मेरा फेस जो है वो इनरोल हो चुका है। अब यहाँ से आपको इसे कर देना है डन। डन करने के बाद अब आपको यहाँ से फेस लॉक जो है वो लग चुका है आपका। अब यहाँ से आपको जाना है बैक। अब आपका फिंगरप्रिंट लॉक, पैटर्न लॉक और फेस लॉक तीनों यहाँ पर लग चुकी हैं। अब हम फ़ोन को करते हैं लॉक, और यहाँ से सबसे पहले यहाँ से फिंगर से फ़ोन को अनलॉक करते हैं। तो जैसे मैंने फिंगर को टच किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी फास्ट फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ से इस तरीके से काफ़ी फास्ट फ़ोन ओपन हो चुका है। अब हम आपको दिखा देते हैं पैटर्न लॉक, पैटर्न लॉक से ओपन करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, ये हमारा फ़ोन जो है पैटर्न लॉक से भी काफ़ी फास्ट ओपन हो रहा है। इतना महंगा फ़ोन है तो फास्ट तो होना ही चाहिए। अब हाँ, यहाँ से अपने फेस से फ़ोन को अनलॉक करते हैं। इस तरह से फ़ोन को फेस से अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, तो ये देख रहे हैं आप टेक्नोस मैच। तो यहाँ पर हमारा फेस से भी फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक और पैटर्न लॉक और फेस लॉक तीनों लगा पाएंगे।